Hello everyone, welcome back to my channel. This is Nishan Shambarkar and you are watching our channel Secret Bate for you. So दोस्तों आज का जो वीडियो है, जैसे आपने थंबनेल देख लिया है, टाइटल आपने देख लिया है कि आज जो है मैं एक एक्सपोज वीडियो बना रहा हूँ जो कि है टिकटॉक के बारे में. तो दोस्तों मैं टिकटॉक को यहाँ पर क्यों पकड़ा और टिकटॉक के बारे में मैं ऐसा कह जान रहा हूँ जिस वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ. तो दोस्तों बहुत ही जो है बड़ी बड़ी खबरें यहाँ पर टिकटॉक के बारे में निकल कर सामने आ रही है, उसी से रिलेटेड आज के वीडियो में हम लोग आज बात करेंगे. तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर आज नए होंगे तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में जो बेल आइकन है उसे भी दबाना ना भूले ताकि फ्यूचर में जब भी मैं कोई नई वीडियो बनाऊं तो उसकी जो नोटिफिकेशन है आप तक तुरंत में पहुंच सके. तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो. तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि बहुत सारे ऐसे ऐप्स हैं, बहुत सारे ऐसे यानी प्रोग्राम्स हैं जिसमें आप अपनी जो है क्रिएटिविटी यहाँ पर दिखा सकते हैं. जैसे कि लाइक अभी जो टिकटॉक है और हम लोग यहाँ पर यूट्यूब पर अपनी क्रिएटिविटी यहाँ पर दिखाते हैं. तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि हाँ सही मायने में जो टिकटॉक पर हम लोग जो वीडियो डाल रहे हैं उसका आने वाली जो जनरेशन है उसको क्या कुछ फायदा होगा? एक बार आप नज़र घुमा के देखिए, नज़र पलटा कर आप एक बार देखिए कि क्या सही में आने वाले जो हमारी जो जनरेशन है उसको जो है यहाँ पर जो वीडियो बना रहे हैं उसका कोई फायदा यहाँ पर हो रहा है या नहीं है. मैं यहाँ पर बहुत फेमस जो है टिकटॉकर जो लोग हैं जो टिकटॉक पर ज्यादातर एक्टिव रहते हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ. जो फेमस हो रहे थे उन्होंने बेसिक से स्टार्ट किया और आज बहुत ज्यादा फेमस है. लेकिन यहाँ पर जो है टिकटॉक जो है हमको बहुत ही बड़ा यहाँ पर क्या दे रहा है, धोखा दे रहा है और वो जो है हमारे आंखों में धूल झोंक रहा है. तो इसके लिए मैं आपको क्यों बता रहा हूँ ये मैं आपको बताना चाहता हूँ. तो सबसे पहले ऐसा है कि एक बहुत ही फेमस टिकटॉकर है जिनके इंस्टाग्राम पर मेरी बात हुई है आज से 3 या 4 दिन पहले. तो उसी बात को सुनने के बाद ये जो वीडियो है आज बनाने का मैंने यहाँ पर क्या है सोचा है. तो ये जो टिकटॉक है इस पे करना क्या होता है, इसमें करना ये होता है कि दोस्तों आपको 15 सेकंड का कोई भी एक क्लिप दी जाएंगी, उस पे आपको लिपसिंग करना है और बहुत अच्छे आपको पोजेस और एक्सप्रेशन के साथ उस जो आपको जो वीडियो दिया गया है उस वीडियो को आपको क्या करना है, कैप्चर करके उसमें पब्लिश करना है. लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्या आप इसमें कोई भी क्रिएटिविटी आपको यहाँ पर मिलेंगी? मुझे बताइए कि आपको मैं एक वीडियो दे दूंगा, आपको मैं बोलूंगा कि ये इस वीडियो पे आपको परफॉर्म करना है, तो क्या सही में आप एक क्रिएटिव इंसान बन पाओगे उस जगह के लिए? नहीं. ये तो आप एक तरह से किसी के प्रेशर के नीचे काम कर रहे हो. आपको लोग बोल रहे हैं कि ये ले ऐसा करना है, ऐसा करके लोगों को बता. तो ये दोस्तों आपकी क्रिएटिविटी जो है, जो आजकल की जो जनरेशन है जो ज्यादा क्रिएटिव बन सकते हैं वो क्या हो रहा है कि वो इस वजह से धीरे धीरे घटती जा रही है. और एक बात ऐसी भी है कि आपको इसका जो है आउटपुट कुछ भी नहीं मिलेगा. आपको मुझे बताइए आप कितना फेमस होंगे आपके अंदर, यानी आपको मैं बताना चाहता हूँ कि टिकटॉक में बहुत तरह के लोग यहाँ पर फेमस होते हैं मैं मानता हूँ. लेकिन मुझे बताइए कि अगर आप एक बिगनर हो तो आप एक सिंपल से 15 सेकंड के वीडियो के लिए आप उसमें जरूर फेमस होंगे या नहीं होंगे ये आप बता नहीं सकते हो, ठीक है. उसी तरह से आप ये भी सोच रहे हैं कि कोई कोई लोग फनी वीडियो बनाते हैं, कोई कोई मैं मानता हूँ कि दूसरों को हंसाना बहुत ही बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है. लेकिन अगर आप कोई वीडियो बना रहे हो और उसमें आप रो रहे हो, हंस रहे हो, तो ये कहाँ का सेंस है मुझे बताइए? ये कहाँ से आपको एक क्रिएटिवनेस आपको ये दे सकता है? आने वाली जो जनरेशन है ज्यादा से ज्यादा टाइम आजकल कहाँ पर दे रही है? टिकटॉक पर दे रही है. तो चलो ठीक है, वीडियो पब्लिश करना सही बात है, लेकिन क्या इसका कुछ आउटपुट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? तो आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि जिस व्यक्ति से मैंने बात किया उसके 200K सब्सक्राइबर है, 200K फॉलोअर्स है, ठीक है. उसमें सब्सक्राइबर नहीं रहते हैं, उसमें फॉलोअर्स रहते हैं. तो 200K फॉलोअर बोले तो कितना, 2 लाख फॉलोअर वहाँ पर हो जाते हैं. उसके बाद मैंने अगर उनको पूछा कि आपकी जो सैलरी है या मंथली आपको कुछ पैसा मिलता होगा, तो उन्होंने कहा कि उनको बिल्कुल भी पैसा नहीं मिलता. हालांकि उनका जो जो अकाउंट है वेरीफाई नहीं हुआ है, लेकिन उनके पहचान के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका अकाउंट क्या है वेरीफाई हो चुका है, लेकिन अभी तक उनको जो है पैसा जो है वहां पर नहीं मिला है. तो पैसा क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि टिकटॉक जो है आपको पैसा देता ही नहीं है. आपको पैसा कमाने के लिए आपको उसमें लाइव आना पड़ता है. लाइव आने के बाद क्या होगा कि जो आपके फॉलोअर्स है वो आपको इमोजीज सेंड करेंगे. इमोजीज कैसे सेंड करते हैं? लव का जो है इमोजीज रहता है, हैप्पी का इमोजी रहता है, ऐसा इमोजीज जो आपको सेंड करेंगे तो उसका पैसा आपको टिकटॉक में मिलता है. तो ये बहुत बड़ी गलत फहमी है जो आजकल के युवा वर्ग यहाँ पर सोच रहे हैं कि हम लोग टिकटॉक में भी फेमस हो जाएंगे. फेमस तो आप हो जाओगे मैं मानता हूँ, लेकिन उसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि टिकटॉक पे सिर्फ 2 तरह के जो लोग हैं वो फेमस होते हैं. सबसे पहली बात, जो बहुत ही खूबसूरत है, यानी कि कोई एक लड़की है बहुत खूबसूरत है, कोई एक लड़का है बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट है, ये जो लोग हैं ज़्यादा से ज़्यादा उसमें फेमस हो सकते हैं. या फिर एक दूसरे लोग हैं जो बहुत ही लो कैटेगरी के, यानी जो यानी कोई काम के नहीं है, जिनको यानी वीडियो बनाने का जरूरत ही नहीं है, यानी जो लो कैटेगरी के ऐसे भी लोग जो है वहाँ पर क्या है फेमस होते हैं. तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ कि एक गुटका भाई करके जो टिकटॉक पर काफ़ी फेमस हैं, जो क्या करते हैं कि गुटका मुंह पे रख के एक दो वीडियो उन्होंने शूट कर दिया, वीडियो वायरल हो गया,
लोगों को पसंद आने लग गया और लोग एज ए मजाक में यानी कि एज ए फनी वीडियो के तौर पर उनके जो वीडियो है देखे जाते हैं। उसी तरह से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, उनकी हेयर स्टाइल बहुत अच्छी है, अच्छे दिखते हैं, इस तरह के लोग भी यहाँ पर क्या है फेमस हो जाते हैं। तो अब बचते हैं नॉर्मल लोग, जो बीच के नॉर्मल जो लोग हैं जो नॉर्मल दिखते हैं, अच्छी बातें करते हैं, वो लोग क्या करेंगे मुझे बताइए। तो इसमें क्या है दोस्तों, आप अपनी जो क्रिएटिवनेस जो है इसमें आपकी जो क्रिएटिवनेस है वो कम होती जा रही है, ठीक है, और ना इसमें आपको कुछ आउटपुट मिल रहा है। अब बात करता हूँ मैं यूट्यूब की, यूट्यूब के इसमें यूट्यूब को क्यों मैं बेटर मानता हूँ टिकटॉक से, क्योंकि आप आज भी जाकर सर्च कर लीजिए हाउ टू डू डांस, ठीक है, आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे। आप लिखो कंप्यूटर रिपेयर करना कैसे सीखे, आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे। आप उसमें सीखे कि फुटबॉल कैसे खेला जाता है, बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे। यानी कि उस YouTube में ऐसा है कि आप जो वीडियो देखना चाहते हो, ठीक है, आप जो आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है वो चीज़ आप उसमें पा सकते हो। आप लिखोगे कि कंप्यूटर फॉर्मेट कैसे किया जाता है तो आपको वो वाले वीडियो मिल जाएंगे। आप लिखोगे कि एडिट कैसे किया जाता है वो वाले वीडियो मिल जाएंगे। यानी कि हर वो चीज़ जो आपकी क्यूरियोसिटी है, जो आपकी इच्छा है, हर एक चीज़ आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी। इसलिए मैं आपको बस यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप इस तरह के जो भी छोटे मोटे ये जो आप कर रहे हो, आप ये जो वीडियो आप बनाते हो टिकटॉक पर, इस पर आने से अच्छा, क्योंकि उससे आप जब वहाँ पर फेमस, चलो ठीक है वहाँ पर आप फेमस हो जाओगे, लेकिन फेमस होने के बाद भी आप क्या करोगे दोस्तों, वहाँ पर आपको ना कुछ आउटपुट नहीं मिलेगा, उसके बाद आप टर्न कहाँ पर होने वाले हो, यूट्यूब पर। तो इससे बेटर है कि आप यूट्यूब पर ही अपना जो है करियर यहाँ पर स्टार्ट करिए। आप देखिए कि आपको क्या आता है, आपके एक पेज पर लिख लीजिए कि मैं ये चीज़ बहुत अच्छी करता हूँ या बहुत अच्छी करती हूँ। जैसे किसी कोई गर्ल्स होंगी तो उसको मेहंदी निकालना आता है, कोई किसी का मैथ्स बहुत अच्छा है तो मैथ्स उसको बहुत अच्छे से जमता है, और किसी का फुटबॉल खेलना अच्छा है, किसी को डांस आता है, तो ये सब चीज़ें लिख लीजिए और उस हिसाब से यहाँ पर आप धीरे धीरे मेहनत कीजिए। इसमें कैसी है कि आपको सिर्फ 1000 सब्सक्राइबर, 4000 घंटे का वॉच टाइम मिलने के बाद आप अपने चैनल को मोनेटाइज करवा सकते हैं और आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ आउटपुट मिलेगा। यानी कि आपको कम पैसा मिलेगा या फिर ज़्यादा पैसा मिलेगा, लेकिन मिलेगा। यहाँ पर टिकटॉक के जैसे ऐसा नहीं है कि बीच में ही आपको लटका के रख देंगे कि आपका जो है अकाउंट जो है आपका वेरीफाई होगा या नहीं होगा, ये आप यानी उसमें बता नहीं सकते हो, ठीक है। तो आज का जो वीडियो है मैं इसलिए बना रहा हूँ कि ये जो आजकल के जो जनरेशन है, ये जो टिकटॉक की तरफ बढ़ चुकी है जो 15 सेकंड के वीडियो के लिए, और ये ऐसे वीडियो यहाँ पर भी बन चुके हैं जिसमें आपको मैं बता नहीं सकता हूँ। आप लोगों को भी ऐसे वायरल जो है वीडियो यहाँ पर मिले होंगे, और मोस्टली ये जो वीडियो है लड़कियों के मिल रहे हैं कि जल्दबाजी में लड़कियां गलत कपड़े पहन लेती है, उस वजह से उनको पता ही नहीं लगता कि टिकटॉक पे हम लोग क्या कर रहे हैं। उनके जो है बहुत सारे ऐसे वीडियो मैंने देखा हो, बहुत सारे ऐसा है कि बैकग्राउंड में आप देखोगे कि कुछ पर्सनल उनका काम चल रहा है और यहाँ पर आप वीडियो बना रहे हो और वो भी उसमें कैप्चर हो जाता है। ऐसे भी वीडियो मैंने बहुत बार देखा है। अब ये कोई जानबूझकर तो करेगा नहीं, ये सब क्या है कि जल्दबाजी में बिना सोचे समझे काम करने का ये नतीजा है, ठीक है। हमारे यूट्यूब पर ये सब चीज़ें नहीं चलती है। आप बेटर है कि आप यूट्यूब पर आइए। यूट्यूब पर आने के बाद आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। टिकटॉक पे आप पर आपको सिर्फ क्या मिलेगा, आपको फेम मिलेगा मैं मानता हूँ, लेकिन उसमें भी आप हंस रहे हो, रो रहे हो, और ये फेम किस काम का। इससे अच्छा आप कुछ यूट्यूब पर नया लेकर आइए, आप कुछ सिखाइए, लोगों को बताइए कि हमको ये चीज़ आती है, आपको उसमें पैसा भी मिलेगा, आपको उसमें इज्जत भी मिलेगी, और साथ में आपको जो है आप फेमस भी उस पर हो जाओगे। तो बस दोस्तों आज का जो वीडियो है मैं इसलिए बनाया हूँ टिकटॉक को एक्सपोर्ट करने के लिए। कैसे कि बहुत सारी खबरें ऐसे मुझे पता लगी टिकटॉक के बारे में, उस वजह से आज का वीडियो मुझे बनाना पड़ा। तो दोस्तों होप कि आज के वीडियो आपको समझ में आया होगा। टिकटॉक से कई गुना बेहतर है यूट्यूब, हालांकि यूट्यूब पे ज्यादा मेहनत लगती है। आप टिकटॉक में मोबाइल रखकर और अच्छा DSLR से आप वीडियो शूटिंग कर आप 15 सेकंड के लिए वीडियो उसमें डाल सकते हो, लेकिन यूट्यूब में ऐसा नहीं है। यूट्यूब में आपको थोड़ा 4-5 घंटे का टाइम यहाँ पर देना पड़ता है। इसको आप स्टार्टिंग में जो है एज ए पार्ट टाइम लेकर भी इसको आप कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसे लगा उसके बारे में मुझे कमेंट करके जरूर बताओ। साथ में अपना जो चैनल है उसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और इसी तरह के किस तरह से वीडियो आपको चाहिए ये मुझे कमेंट करके आप बता सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।